टीवी इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। जाने माने फिल्म और टीवी एक्टर मिथिलेश कुमार का निधन हो गया है। मिथिलेश जी का निधन 3 अगस्त की शाम को कार्डियक अरेस्ट के कारण अपने होम टाउन लखनऊ में हुआ। मिथिलेश चतुर्वेदी के निधन की पुष्टि उनके दामाद आशीष चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर दी है। आशीष चतुर्वेदी ने फेसबुक पर मिथिलेश की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे। आपने मुझे दामाद नहीं बल्कि एक बेटे की तरह अपना प्रेम दिया। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जिसके बाद से इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर चुका है। हर कोई मिथिलेश जी की आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथिलेश जी की मौत ने तो दस्तक कुछ दिनों पहले ही दे दी थी। जी हाँ, कुछ दिनों पहले मिथिलेश जी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण मौत ने इतनी जल्दी उन्हें अपने आगोश में ले लिया। दरअसल मिथिलेश जी हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। खबरों के मुताबिक मिथिलेश चतुर्वेदी को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो अपने होम टाउन लखनऊ शिफ्ट हो गए थे ताकि वो अपनी सेहत की देखभाल कर सके। हालांकि मिथिलेश जी की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। कुछ दिनों पहले मिथिलेश जी को आया हार्ट अटैक, बेशक उस वक्त तो बच गए, लेकिन किसे पता था कि ये मौत की वो दस्तक थी जो उन्हें ले जाकर ही मानेगी। बता दें कि 90 के दशक से मिथिलेश चतुर्वेदी लगातार इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। उनका एक पॉपुलर सीरियल रहा है नीली छतरी वाले। ये एक कॉमेडी शो रहा जिसमें उन्होंने आत्माराम चौबे का किरदार निभाया। ये शो काफी पॉपुलर रहा है जिससे वो घर घर में काफी पॉपुलर हुए। इस शो के अलावा भी मिथिलेश जी कई टीवी शोज में सपोर्टिंग रोल में खूब नजर आए। बता दें कि सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि मिथिलेश जी बॉलीवुड फिल्मों के भी जाने माने चेहरे थे। मिथिलेश जी के सफर के दौरान वो सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन संग कई बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा, मनोज बाजपेयी अभिनीत सत्या, शाहरुख खान स्टारर अशोका समेत ताल, अभिषेक बच्चन की बंटी और बबली, ऋतिक रोशन अभिनीत क्रिश और सलमान खान की फिल्म रेडी में देखा गया था। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया से मिली। इस फिल्म में उन्होंने ऋतिक रोशन के कंप्यूटर टीचर का किरदार निभाया था। हालांकि अब मिथिलेश जी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनके निभाए तमाम किरदार उन्हें हमेशा दिलों में जिंदा रखेंगे।